गाइस पता नहीं यार ये सिंचन भी कहां पर चला जाता है। ओए सिंचन तू कहां पर है, मैं तुझे इतनी देर से देख रहा हूँ यार। पता नहीं ये सिंचन भी बाहर कहां पर घूमने चला जाता है। सिंचन तू कहां पर है, खाना रेडी हो चुका है, चल आजा जल्दी से, हम साथ में बैठ के खाते हैं। अरे गाइस मुझे जल्दी से फ्रैंकलिन भैया के पास जाना होगा। फ्रैंकलिन भैया आप कहां पर हो, आप जल्दी जल्दी से जहां पर भी हो जल्दी से घर में छुप जाओ, अभी आपको पता है हमारे घर में कौन आने वाला है। अरे सिंचन तू इतना भागते हुए क्यों आ रहा है, आराम से आ। अरे फ्रैंकलिन भैया आपको पता भी है हमारे घर में भी क्या होने वाला है, चलो अभी जल्दी से हम छुप जाते हैं। अरे बेवकूफ कुछ हुआ भी होगा या तू वैसे ही चिल्ला रहा है, अभी आराम से बता हुआ क्या है। अरे फ्रैंकलिन भैया हमारे घर में हमला होने वाला है, इसीलिए अभी जल्दी जल्दी से भागो। अरे सिंचन हमारे घर में कौन हमला करने वाला है और ये हमला होगा कब। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं भी आपको फोन कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी जल्दी से भागो वरना आप भागने के लायक भी नहीं रहोगे। अरे सिंचन पिंचन तुम दोनों बिल्कुल पागल हो चुके हो, तुम पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम दोनों इतना डरे हुए क्यों। अरे फ्रैंकलिन भैया प्लीज यहाँ से छुप के भाग लो वरना आपकी बिल्कुल चटनी ही बन जाएगी। गाइस ये दोनों तो हो चुके हैं पागल, चलो अभी हम बाहर जाकर देखते हैं कि यार बाहर हो क्या रहा है, और अगर बाहर कोई गुंडा आया होगा तो उसे पीटने के लिए मैं तैयार हूँ। अरे लेकिन सिंचन पिंचन यहाँ पर ये हो क्या रहा है यार, यहाँ पर ये इतने सारे हल कहाँ से आ गए, इन्होंने तो मुझे घेर लिया है, तो चलो एक बार जल्दी जल्दी से हम यहाँ से भाग लेते हैं। अरे बेवकूफ सिंचन पिंचन तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे, हमारे घर पर इतने सारे रेड हल्क आ चुके हैं यार, ये तो पूरी रेड हल्क की फैमिली आ चुकी है। अरे सिंचन पिंचन भागो, ये इतने सारे रेड हल्क क्यों आ गए। फ्रैंकलिन आज हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तुम हमारे दुश्मन हो। अरे लेकिन रेड हल्क मैंने तो यार तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। गाइस ये देखो ये कितने सारे रेड हल्क हैं, और ये बेवकूफ सिंचन पिंचन मुझे पहले नहीं बता सकते थे, तो चलो एक बार मैं यहाँ पर आता हूँ। अरे यार हमारे गैराज में भी रेड हल्क आ चुके हैं। अरे बेवकूफ सिंचन पिंचन तुम भी जल्दी जल्दी भागो। अरे फ्रैंकलिन भैया हमने तो आपको पहले ही बोला था कि भागो भागो, आप पहले नहीं माने तो हम क्या करें। अरे सिंचन तुमने मुझे ऐसा बताना था कि यार रेड हल्क हम पर हमला कर रहे हैं, तो चलो गाइज हम दूर से ही रेड हल्क से बातें करते हैं। अरे रेड हल्क मैंने तो यार तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। फ्रैंकलिन तुम ग्रीन हल्क के दोस्त हो इसीलिए हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अरे यार ये क्या मतलब हुआ मैं ग्रीन हल्क का दोस्त हूँ, वैसे तो यार मैं तुम्हारा भी दोस्त हूँ, अभी कम से कम तुम मेरे पीछे तो मत पड़ो। नहीं फ्रैंकलिन हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। गाइस मुझे लगता है कि यार अभी हमें अपने घर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर भी और रहे तो ये रेड हल्क मुझे मार गिराएंगे। तो चलो सिंचन पिंचन अभी हम जल्दी से यहाँ से भागते हैं वरना ये रेड हल्क हमें बहुत ही मारने वाले हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो हमने आपको पहले ही बोला था, तो चलो अभी हम यहाँ से भाग लेते हैं। गाइस यहाँ पर अभी इतने सारे रेड हल्क आ चुके हैं कि हम इन्हें संभाल भी नहीं पा रहे हैं यार, काफी रेड हल्क तो हमारी गाड़ी के भी नीचे आ चुके हैं। ये मुझे लगता है कि पूरी रेड हल्क की फैमिली आ चुकी है, लेकिन यार मैंने तो इनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। पता नहीं यार रेड हल्क कुछ ऐसा बोल रहा था कि मैं ग्रीन हल्क का दोस्त हूँ, ये ऐसे ही बोल रहे थे। अरे यार ये तो हमारे यहाँ भी पीछे आ चुके हैं। गाइस मुझे लगता है कि यार मुझे अभी जल्दी से अवेंजर्स के हेडक्वार्टर जाना होगा, तभी ये रेड हल्क हमारा पीछा छोड़ेंगे, और ये अभी हमारे पीछे भी आ रहे हैं। इन्होंने तो यार हमारे घर पर भी कब्जा कर लिया है, तो चलो सिंचन पिंचन अभी हम जल्दी से अवेंजर के हेडक्वार्टर चलते हैं। अरे हाँ गाइस यार अभी हम अवेंजर के हेडक्वार्टर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अरे हाँ गाइस रेड हल्क ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है, और हमें कुछ भी करके अपने घर को वापस लेना ही होगा, इसीलिए यार अगर आप वीडियो को लाइक कर दोगे तो यार हमें अपने अवेंजर जल्दी से मिल जाएंगे, इसीलिए एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो सिंचन पिंचन अभी हम कुछ ही देर में अवेंजर्स के हेडक्वार्टर पहुंचने वाले हैं, लेकिन तुम वहां पर जाकर कोई भी शरारत मत करना, क्योंकि अभी हमें सीधा अपने हल्क से ही बात करनी है। मुझे यार हल्क पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हर बार रेड हल्क से वो लड़ाई करता है और यार उसका बदला हमें चुकाना पड़ता है। अभी तो रेड हल्क हमारे घर पर आ चुका है, लेकिन हम कुछ भी करके यार उससे अपना घर वापस ही लेकर रहेंगे, तो चलो देखते कि यार हमारे अवेंजर्स हो कहां पर सकते हैं। अरे अवेंजर्स तुम कहां पर हो, मैं फ्रैंकलिन तुमसे मिलने आया हूं, और तुम्हें पता भी है हमारे साथ हो क्या रहा है, तुम कहां पर हो जल्दी जल्दी से मुझे आवाज देकर बताओ। अरे फ्रैंकलिन हम सभी यहां पर ही हैं, तुम अपनी गाड़ी को रोको और जल्दी
जल्दी से अभी हमारे पास आ जाओ। अरे सिंचैन, मुझे यार आयरन मैन की आवाज सुनाई दे रही है, चलो देखते कि हमारा आयरन मैन है कहाँ पर। और दोस्तों ये देखो, हमारे सभी अवेंजर यहाँ पर हैं। अरे हल्क यार, अभी मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम्हें पता भी है हमारे साथ तुम्हारी वजह से हो क्या रहा है। अरे नहीं फ्रैंकलिन, तुम इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अरे यार हमारे साथ अभी इतनी चीजें हो चुकी है कि यार मैं तुझे समझा भी नहीं सकता हूँ कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अरे फ्रैंकलिन मेरे दोस्त, तुम इतने ज्यादा टेंशन में क्यों हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अरे आयरन मैन, हर बार फाइट में ग्रीन हल्क पागल हो जाता है और उसका खामियाजा यार हमें भुगतना पड़ता है, तुम्हें पता भी है अभी हमारे घर पर हो क्या रहा है। अरे नहीं फ्रैंकलिन, अगर तुम नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि तुम्हारे घर पर हो क्या रहा है। अरे यार अभी हमारे घर पर रेड हल्क का कब्जा हो चुका है और तुम्हें पता भी है उन्होंने हमें कितना पीटा है। अरे हाँ हल्क भैया, हमारे फ्रैंकलिन भैया को इतना पीटा गया कि इनका चेहरा देखो कैसे लाल हो गया है। ओए सिंचैन तू चुप रहे। अरे अवेंजर्स तुम्हें पता भी है अभी रेड हल्क की पूरी फैमिली हमारे घर पर आ चुकी है और यार उनसे काफी बचते हुए मैं तुम्हारे पास पहुंचाऊं। अरे फ्रैंकलिन ये तो बहुत ही मुसीबत की बात है, क्योंकि रेड हल्क सबसे ज्यादा पावरफुल है। अरे हाँ यार वो तो मैं जानता ही हूँ, अगर और कोई विलन होता तो मैं उसे मार भी सकता था, लेकिन रेड हल्क की पावर को तो तुम जानते ही हो। हल्क सच बताऊँ तो मुझे तुम पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम इतने ज्यादा स्ट्रोंग हो कि यार इसे कुछ होता भी नहीं है, मेरे पन से तो इसे कुछ हुआ भी नहीं। तो अवेंजर्स अभी ये बताओ कि तुम में से मेरी हेल्प करेगा कौन। अरे फ्रैंकलिन तुम हम सभी अवेंजर्स के दोस्त हो, तुम हमारी हर बार हेल्प करते हो, इसीलिए हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। यार मुझे तुम सभी से यही उम्मीद थी। तो चलो गाइस, हमारे अवेंजर हमारी हेल्प करने को तो रेडी है। तो यार अभी ये बताओ कि उस रेड हल्क से सबसे पहले फाइट कौन करेगा। फ्रैंकलिन उस रेड हल्क से फाइट करने सबसे पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरी वजह से ही वो तुम्हारे घर पर आया है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वैसे गाइस आप कुछ भी बोलो, हमारा ग्रीन हल्क जल्दी गुस्सा हो जाता है, लेकिन ये हमारी हेल्प करने के लिए सबसे पहले आ जाता है। तो चलो ग्रीन हल्क अभी तुम जल्दी से मेरे घर पर जाओ और वहाँ पर रेड हल्क को हराओ। तो ठीक है अवेंजर्स, मैं रेड हल्क को हराने जा रहा हूँ। सो ऑलराइट गाइस, अभी हल्क हमारी साइड आ चुका है और अभी हमें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वैसे यार वहाँ पर कितने सारे रेड हल्क थे, मुझे नहीं लगता कि यार हमारा ग्रीन हल्क उसे हरा सकता है। ग्रीन हल्क मैं यार तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत ही सारे रेड हल्क हैं, वहाँ पर कम से कम भी यार 100 रेड हल्क हैं, इसीलिए अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो यार तुम अपने सूट को अपग्रेड कर लो, ताकि अगर रेड हल्क तुम्हें ज्यादा टक्कर देने लगे तो तुम उससे जीत भी पाओ। अरे हाँ फ्रैंकलिन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अभी मुझे अपने हल्क रैग्नारोक के रूप में आना होगा, तभी मैं रेड हल्क की आर्मी को हरा सकता हूँ। वैसे गाइस यार हमारा ग्रीन हल्क वैसे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो चलो अभी हमारा ग्रीन हल्क बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका है और ये रेज बूस्ट में भी आ चुका है। वैसे ग्रीन हल्क अभी अपने घर जा रहा है, आई थिंक यार ग्रीन हल्क को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, और अगर हमारा ग्रीन हल्क हमारा हल्क रैग्नारोक का सूट पहन लेता है तो फिर तो इसे हराना इम्पोसिबल ही हो जाएगा। जहां तक मुझे पता है हमारे हल्क रैग्नारोक का सूट यार मेज बैंक पर मिलने वाला है, तो चलो अभी हम सीधा मेज बैंक पर ही पहुंचते हैं। और ये देखो भाई लोग, अभी हमारे सामने हमारे हल्क रैग्नारोक का सूट है, अगर हमारा हल्क ये सूट पहन लेगा तो इसे हराना इम्पोसिबल है, क्योंकि गाइस आपने तो देखा ही था हल्क ने जब ये सूट पहना था तो उसने थोर की क्या ही गंदे वाली बैंड बजाई थी। तो चलो अभी मैं जल्दी से इसे पहन लेता हूँ, लेकिन गाइस उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, इसीलिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। सो 3, 2, 1 वो सो ऑसम गाइस, अभी हम बन चुके हैं हल्क रैग्नारोक। आप एक बार हमारी बॉडी देखो, हमारी बॉडी देखने में क्या ही मस्त लग रही है। तो चलो अभी बारी आ चुकी है हमारे घर पर जाने की, यानी कि फ्रैंकलिन के घर पर जाने की। अभी फ्रैंकलिन के घर पर हम जाएंगे और रेड हल्क की गंदे वाली बैंड बजाएंगे। फ्रैंकलिन का घर यार यही कहीं पर है। चलो मैं फ्रैंकलिन के घर के काफी नजदीक आ चुका हूँ। वैसे गाइस आपको क्या लगता है इस फाइट में कौन जीतेगा? अभी मैं पक्का श्योर हूँ कि यार हमारा हल्क रैग्नारोक ही जीतने वाला है। और फ्रैंकलिन का घर भी अभी यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर तो फ्रैंकलिन बिल्कुल सही बोल रहा था, यहाँ पर काफी ज्यादा ही रेड हल्क हैं, लेकिन हल्क रैग्नारोक के सामने टिकना इम्पोसिबल है। आ जाओ, तुम्हारी तो अभी मैं बैंड बजाता हूँ, तुम मेरे दोस्त फ्रैंकलिन को मारने आओगे, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, सबसे पहले मैं इन्हें ही खत्म करता हूँ। और ये रेड हल्क तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। अभी मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, और आजा तुम मुझसे फाइट करेगा, ये देख मेरे पंच को।
तो इसे तो मैंने अच्छा मजा चखा दिया है और अभी बारी है इन सभी की। ये लो तुम मेरी रेज बूस्ट को। लेकिन यार अभी ये फिर से उठ खड़े हुए हैं और अभी मुझे लगता है कि ये हमसे डर के भागने भी लगे हैं। लेकिन नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता है, रेड हल्क इतना ज्यादा कमजोर नहीं होगा कि ये हमसे डर के भागे। लेकिन मुझे इन्हें मारना ही होगा, इसीलिए अभी बारी हमारे थंडर क्लैप की। यार हल्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं इतना अगर किसी को मार देता तो वो कभी भी नहीं उठ सकता था। लेकिन यहाँ पर ये हल्क तो और भी ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। अभी मैंने यार लगभग सभी हल्क को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बाकी होगा। और यहाँ पर अगर कोई बाकी होगा तो मैंने ये गाड़ी पकड़ी और सीधा इनमें फेंक के मारी। यार यहाँ पर एक हल्क खड़ा तो हुआ है, तो आजा तुझे मैं पकड़ता हूँ और हाथ में लेके रेज बूस्ट मारता हूँ। चलो गाइज, हमने यहाँ पर सभी हल्क को कंप्लीट कर दिया है और अभी हमारे फ्रैंकलिन के घर पर रेड हल्क कभी भी नहीं आएगा। लेकिन यार ये हल्क तो अभी बचा ही हुआ है। हल्क जल्दी से तू बाहर निकल, फ्रैंकलिन के घर पर अगर तू कभी आया तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ मैंने रेड हल्क को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। सो गाइज, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी जल्दी जल्दी हमें कमेंट में बताओ। और अगर आपको हमारे हल्क रैग्नारोक अच्छा लगा हो तो यार कमेंट में पार्ट 2 लिख के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।